अगर आप लोगों को पर्सनल लोन की ज़रूरत है, ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन लाया हूँ। जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, रेटिंग अच्छा है और उस एप्लीकेशन से फ़िलहाल के टाइम पे आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे ना ये एप्लीकेशन वाले बहुत ही एग्रेसिवली लोन दे रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, फ्यूचर में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एप्लीकेशन कौन सी है और आप लोगों को यहाँ पे लोन कैसे लेना है, और कुछ भी दिक्कत नहीं आता है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे लोन अप्लाई करते वक्त। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कर पाओगे आसानी से। और यहाँ पे रिपेमेंट पे थोड़ा बहुत इशू आता है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगा। तो एप्लीकेशन है गाइस इंडिया एआई क्रेडिट कैश लोन ऐप, तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो 4.7 स्टार इसका रेटिंग है। तो आप लोगों को पता है गूगल जो रेटिंग है 4.7 स्टार तो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे 100K से भी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया है और इसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग देख पाते हो अच्छा रेपुटेड एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अबाउट एस्पेक्ट कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट है, रिपेमेंट पीरियड आपको कितना मिलेगा और आप लोग रिपेमेंट कैसे कर पाओगे। तो वीडियो पूरा आप लोग को देखते रहना है। तो गाइस यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है तो अराउंड आप लोगों को 20% से 25% आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, प्लस आप लोगों को यहाँ पे जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीएसटी भी काउंट होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिपेमेंट पीरियड। रिपेमेंट पीरियड आप लोगों को यहाँ पे मतलब एक महीना से दो महीना या तो 15 डेज ऐसा कुछ आप लोगों को मिल सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको कि आप लोगों को ये ऐसा फिक्स्ड गारंटी नहीं है कि आपको कितना रिपेमेंट पीरियड मिलेगा। ये आप लोगों के ऊपर मतलब कोई बोल नहीं सकता है, आपको कोई भी मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो आप लोग ले सकते हो 1000 रुपीज़ का, और जो मैक्सिमम है यहाँ पे 10,000 to 15,000 आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो हाई अमाउंट का लोन है यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है, इतना मिलता नहीं है, लेकिन अप्लाई करके देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे एक इनकम प्रूफ भी चाहिए, तो आप लोगों को पता है कैसे इनकम प्रूफ मैनेज करना है, आप लोग स्मार्ट बंदे हो तो सिक्का देना इनकम प्रूफ, और बाकी कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड की चाहिए होगी, और आप लोगों की जो KYC है उसे भी आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस आप लोगों को पता है। और यहाँ पे जो रिपेमेंट पे कुछ इशू आता है, कभी कभी जो रिपेमेंट स्टेटस है इस एप्लीकेशन से अपडेट नहीं होता है आप लोगों को, आप लोग रिपेमेंट कर देते हो लेकिन फिर भी एप्लीकेशन पे अपडेट नहीं होता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग एक दिन पहले ही रिपेमेंट कर दिया करो, ताकि एप्लीकेशन पे भी अपडेट हो जाए और आप लोगों को बाद में भी झंझट लेना ना पड़े, ठीक है। और गाइस ये एप्लीकेशन की एक बात लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि 100% लोन की गारंटी तो नहीं है, आप लोगों को मतलब लोन मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को फिलहाल के टाइम पे मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी 100% मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग ट्राई करके देख सकते हो अगर आप लोगों को फिलहाल के टाइम पे ऑनलाइन पर्सनल लोन चाहिए, क्योंकि ये एक AI क्रेडिट कैश एप्लीकेशन है, यहाँ पे कोई मैनुअल टीम नहीं रहता है, तो आप लोगों की ऑटोमेटिक लोन यहाँ पे डिस्पर्जल होता है। तो आप लोग अपना लक ट्राई करके देख सकते हो, ऐसे एप्लीकेशन 100K से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और रिव्यूज़ भी आप लोग देख सकते हो अच्छा है। तो आप लोग स्मार्ट बंदे हो, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हो, सोच के अपना डिसीजन ले सकते हो। मुझे बस एप्लीकेशन के बारे में बस इतना ही बताना था, और कस्टमर केयर भी आप लोगों का अच्छा सर्विस यहाँ पे दे देगा, कस्टमर केयर रेस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन अगर लोन लेके रिपेमेंट नहीं करते हो गाइस तो आप लोगों को प्रेशराइज किया जाएगा, आप लोगों को कॉल्स आ सकते हैं, मैसेज आ सकते हैं, ठीक है। तो उसे भी याद रखना है, बस इतना ही बोलना था गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय गाइस।